हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक इन अवर मास्टर कार्डर मैथमेटिक्स क्लास। गाइस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था लिमिट एंड डेरिवेटिव, लिमिट पार्ट हम लोगों ने पूरा कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ना बिल्कुल कुछ भी स्किप मत कीजिए, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे साथ काम करोगे ना जैसा मैं करता हूँ वैसा कीजिए। जस्ट आपको एक डेढ़ घंटे की मुश्किल होती है, आप लोगों ने एक डेढ़ घंटा पूरा वीडियो देखना होता है, मेरी वीडियो मैक्सिमम एक घंटे से थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, तो आप लोगों ने मुश्किल से मतलब इतना काम करना है, तो मैं आपको श्योरिटी लेता हूँ कि आप लोग पूरे कंसेप्ट क्लियर करोगे। तो गाइज, मैं इसीलिए आपको थ्रेटिकल करवा रहा हूँ, क्योंकि जो MCQs वगैरह होते हैं ना, आप लोग MCQs वगैरह करते हो, सॉल्व करने शुरू करते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं होते। तो जो मैंने काम करवाया उनमें आपके सभी बेसिक क्लियर होंगे, आज डेरिवेटिव करवाऊंगा, सभी बेसिक क्लियर करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव गाइज होता क्या है, अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर बोलूँ कि डेरिवेटिव होता क्या है, तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। मतलब गाइस देखिए मैंने क्या लिखा है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट होता है उसका जो स्लोप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं गाइस। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्लोप क्या होता है, तो टेंशन मत लीजिए गाइस, मैं सभी बताऊंगा आप लोगों को स्लोप क्या होता है। सपोज कर लीजिए ये मेरा घर है गाइस, क्या है ये मेरा घर है, आपका घर भी हो सकता है, तो उस घर के बाहर क्या होता है, एक रैंप होता है, आप लोगों ने देखा होगा रैंप। रैंप का मतलब गाइस जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी वगैरह, कोई व्हीकल वगैरह, मतलब घर के अंदर लगाते हैं या घर के बाहर निकालते हैं, एक रास्ता होता है जिसके थ्रू हम लोग गाड़ी और कोई व्हीकल अंदर बाहर करते हैं, उसको रैंप बोलते हैं। तो मतलब गाइस क्या है, ये जो रैंप है, मतलब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं गाइस, स्लोप। तो गाइस थोड़ा बहुत ना आप लोग खुद ही जो मिस्टेक वगैरह चेक कर लीजिए, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो डोंट माइंड। तो स्लोप इसको बोलते हैं गाइस, जो रैंप होता है ना, जो स्लाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं गाइस। स्लोप का असली मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ जी मेरे पास एक लाइन है, एक मेरे पास गाइस क्या है, प्लेन है, उस प्लेन के बीच में से एक लाइन पास कर रही है, ये एक्स एक्सिस है और इसके बीच एक लाइन पास कर रही है गाइस, मतलब ये लाइन इस प्लेन के ऊपर कितनी उठी हुई है, मतलब ये लाइन है जो कितनी ऊपर उठी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, इसका स्लोप। अगर मैं बोलूं यही मेरे पास एक प्लेन है और उस प्लेन के बीच गाइस क्या होता है कि दो लाइन्स पास कर रही हैं, ऐसे दो लाइन्स पास कर रही हैं, तो मैं पूछूं किसका स्लोप ज़्यादा है, अगर मैं पूछूं आपसे किसका स्लोप ज़्यादा है, जैसे ये लाइन है ए बी गाइस और ये लाइन है हमारे पास सी डी, तो गाइस आपको जो अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो लाइन ज़्यादा ऊपर उठी है, जैसे ये लाइन नीचे है थोड़ी सी, ये लाइन क्या है ज़्यादा ऊपर उठी है, मतलब जो लाइन मैक्सिमम ऊपर उठेगी उसका स्लोप क्या होगा गाइस, ज़्यादा होगा। इट मीन्स ए बी का स्लोप क्या है, ग्रेटर देन है किससे, सी डी से, किससे, सी डी से, तो इट मीन्स क्या है, ए बी का स्लोप ज़्यादा है गाइस। तो और करते हैं, मैं आप लोगों को ना बहुत कम से कम करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बहुत बड़ी चली जाती है, तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने क्या करना है गाइस, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्या है। तो गाइस देखिए हमारे पास एक लाइन है, मैं आपको बताऊं जो स्लोप होता है ना, स्लोप निकालने के लिए मिनिमम दो आपको पॉइंट चाहिए होते हैं, स्लोप निकालने के लिए मिनिमम आपको दो पॉइंट चाहिए होते हैं गाइस। देखिए जी हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है, इस लाइन पे दो पॉइंट्स हैं गाइस, एक है एक्स वन इसके कोऑर्डिनेट और वाई वन, दूसरा है एक्स टू और वाई टू गाइस, ऐसे दो पॉइंट्स हैं। मान लीजिए जैसे अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूँ, स्लोप निकालना चाहूँ, तो इसका स्लोप क्या आएगा गाइस, इस लाइन के
दो पॉइंट, अभी मैंने बताया ना स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए, मतलब ये दो पॉइंट हैं हमारे पास, इनका स्लोप क्या आएगा, इनका स्लोप आएगा, आप लोगों ने याद रखना है जो स्लोप है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं गाइज, स्लोप आएगा इसका वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये गाइज क्या है, स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, स्लोप निकालोगे। जैसे मान लेते हैं कि जहाँ पॉइंट थे, जो वो पॉइंट क्या थे, टू थ्री और क्या है गाइज हमारे पास थ्री फोर, हम लोग क्या करना चाहते हैं, स्लोप निकाल के दिखाना चाहते हैं। तो ये होता है हमारा एक्स वन, ये क्या होता है गाइज एक्स वन, ये होता है हमारा वाई वन, ये होता है एक्स टू, ये होता है वाई टू। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, वाई टू कितना है गाइज हमारे पास फोर है, और हमारे पास वाई वन कितना है गाइज थ्री है, और हमारे पास एक्स टू कितना है थ्री है, और हमारे पास एक्स वन कितना है टू है। तो गाइज कितना आ गया हमारे पास स्लोप वन बाई वन, मतलब इसका स्लोप कितना आ जाएगा वन। तो इस लाइन का जो स्लोप आया है वो कितना आ जाएगा गाइज वन। तो हमने स्लोप निकालना सीख लिया। तो ये तो थी गाइज स्लोप की बात, अब हम लोग बात करते हैं टेंजेंट, किसकी बात करेंगे गाइज, अब हम लोग टेंजेंट क्या होता है, हम बात करते हैं टेंजेंट। तो ये क्या होता है, इसका क्या फंडा होता है भाई। तो गाइज मेरे पास एक कर्व है, क्या है मेरे पास एक कर्व है, कर्व कैसी भी हो सकती है, आप लोग जैसी दिल करे वैसी कर्व ले लो। तो कर्व होती है ना जो सर्कुलर कर्व, जैसे एक सर्कल होता है सर्कुलर, जैसे एक सर्कल है। तो मतलब जो इसकी कर्व की बाउंड्री है, इस बाउंड्री को जब कोई लाइन टच करती है तो वो इसके एक सिंगल पॉइंट को टच करके जाती है, एक खास सिंगल पॉइंट को टच करके जाती है कहीं से भी। तो ये चीज है जो गाइज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट, मतलब जब कोई लाइन किसी कर्व के एक सिंगल पॉइंट को करेगी भी टच, एक सिंगल पॉइंट को ही, जब एक सिंगल पॉइंट को कर्व के एक खास सिंगल पॉइंट को टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। उसकी बाउंड्री के एक जस्ट एक खास पॉइंट को टच करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइज, टेंजेंट। तो एक चीज़ ध्यान में रख रहा गाइज, कौन सी बात, कि जो एक सर्कल होता है ना सर्कल, एक सर्कल के इनफाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं गाइज, एक सर्कल के नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। एक सर्कल से ना हम लोग नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं, ये आप लोग याद रखना, एक सर्कल के नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग जो हमारी डेफिनेशन थी, क्या क्या थी हमारी डेफिनेशन, डेरिवेटिव की, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। ये क्या होता है, मेन मुद्दा इसका है, हम लोग इस पे आते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है। मतलब अब आओ हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी स्लोप ऑफ टेंजेंट उसकी बात करते हैं गाइज, एक्चुअल में वो होती क्या है। तो उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक और डायग्राम लेते हैं हम लोग, डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा गाइज। जैसे मेरे पास क्या है गाइज, देखिए ये एक प्लेन है, ये क्या है गाइज एक प्लेन है, इस प्लेन में क्या है एक कर्व है, क्या है गाइज कर्व। तो ये कर्व है जो गाइज उस पे हम लोगों ने क्या करना है, एक लाइन पास करवानी है कर्व से, कर्व के मतलब ये लाइन कर्व के एक पॉइंट को टच कर रही है। तो गाइज अभी हमने पढ़ा जो टेंजेंट था वो क्या था, टेंजेंट हमने पढ़ा ना, अभी मैंने बोला टेंजेंट था जो वो क्या था, सॉरी डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव की बात कर रही थी, टेंजेंट मैंने बता दिया। डेरिवेटिव क्या था, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, यही डेफिनेशन थी स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। मतलब टेंजेंट हमको पता चल गया, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि हम इसका स्लोप कैसे निकालें, फिर ही हम लोग बोलेंगे ना कि ये डेरिवेटिव हुआ। मेन मुद्दा क्या है कि हम लोग इसका डेरिवेटिव सॉरी स्लोप कैसे निकालें, क्यों, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हमको दो पॉइंट चाहिए थे, लेकिन जहां तो एक पॉइंट है तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी गाइज। तो जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन थे, मतलब उनके सामने ये बहुत बड़ी समस्या रही है। तो वो क्या करते थे, जैसे सपोज कर लीजिए मैं आपको बताऊं
कि मेरे पास ऐसे ही प्लेन में क्या है, एक कर्व है, ऐसे ही मेरे पास प्लेन में एक कर्व है, और उस कर्व में से क्या है, जो लाइन है इस तरह से पास कर रही है कि वो उस कर्व के दो पॉइंट को टच करे, उस कर्व के दो पॉइंट्स को क्या करे गाइस, टच करे। देखिए ये लाइन इस कर्व के दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, टच कर रही है। सपोज कर लीजिए इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स वन और वाई वन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, एक्स टू और वाई टू। तो ये मान लीजिए जो डिस्टेंस है गाइस, इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं जहां से लेके ये है वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस है जो गाइज, इसको हमने इलेक्ट कर लिया कितना, एक्स वन, कितना इलेक्ट कर लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास है एक्स वन, और गाइज ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको हमने इलेक्ट कर लिया क्या, वाई वन, कितना इलेक्ट कर लिया, वाई वन, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, वाई वन है गाइज। और ये दूसरा पॉइंट है जो, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, इसको हमने गाइज लेट कर लिया, इसको हम लोग लेट कर लेंगे जहां से लेके जहां तक जो हमारा पॉइंट है उसको हम लोग लेट कर लेंगे कितना, एक्स टू, कितना लेट कर लिया, एक्स टू। और यही पॉइंट, और यही पॉइंट जहां से लेके जहां तक का कितना डिस्टेंस है इसका, वाई टू। मतलब गाइस देखिए, अगर हमारे पास लाइन इस तरह से कर्व में पास होती है कि वो दो पॉइंट को क्या करे, उसकी दो बाउंड्रीज, मतलब एक टाइम पे दो पॉइंट्स को क्या करे, टच करे, तब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसका स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन थे, तो उन्हों को ऐसे में क्या होता था, मतलब इसमें इसको तो वो सॉल्व कर लेते, इसको तो हर कुछ सॉल्व कर सकता है जब दो पॉइंट्स आ गए, मतलब उनको जब एक पॉइंट आया, एक पॉइंट का स्लोप निकालने की बात आई, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी इसमें, उनको क्या होती थी इसमें, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी गाइस, मतलब उनके सामने गाइस बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। उन्होंने सोचा अगर दो पॉइंट में लाइन पास करती है तो अब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, लेकिन जब एक पॉइंट है तब हम लोग क्या करेंगे। तब उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या सोचा गाइज, उन्होंने एक जुगाड़ किया, उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग क्या करें, जो दूसरा पॉइंट है, अगर ये दूसरा पॉइंट है ना, अगर इसको बिल्कुल इस पॉइंट के नज़दीक लेके आए, जैसे सपोज कर लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए, उन्होंने क्या सोचा कि ये जो दूसरा पॉइंट है, जैसे ये कर्व है ना, कर्व, जी कर्व के ऊपर जो जे पॉइंट था, उन लोगों ने इस पॉइंट को बिल्कुल, जी पहले वाला जो पॉइंट था, एक पॉइंट जे पॉइंट ना, जे वाला पॉइंट है, जे जो दूसरा पॉइंट था, उन लोगों ने बिल्कुल इस पॉइंट को, जैसे जे कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट जे है और दूसरा पॉइंट बिल्कुल उसके साथ लेके आए वो, उन लोगों ने क्या किया, जो दूसरा पॉइंट है बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ नज़दीक लेके आए। मान लीजिए मैं एक पॉइंट जहां लगाता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं जहां लगा रहा हूँ, मतलब ये आप लोग ऐसे मान के चलिए कि ये बिल्कुल इसके साथ में है, बिल्कुल इसके नज़दीक है, ऐसे है, क्योंकि जहां मैंने आपको करके दिखाना है, अगर मैं आपको बिल्कुल नज़दीक करके दिखाऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत आएगी देखने में, इसलिए मैं इसको आप लोग मान के चलिए कि ये पॉइंट इसके साथ है बिल्कुल, पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा दूर कर दिया गाइज। तो उन लोगों ने क्या किया, मान लिया कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल वो क्या किया, दूसरे पॉइंट के नज़दीक ले आए। फिर उन लोगों ने सॉल्व किया, फिर उन लोगों ने सॉल्व किया, क्यों लेके आए, पहले ये बात सुनिए, क्यों लेके आए ये पॉइंट इसके पास, क्योंकि मैंने आपको लिमिट में करवाया है, क्या करवाया है कि जैसे ये वैल्यू है हमारे पास 0.00009, मतलब 1.00000001, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल ये क्या है, नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक हैं किसके, वन के। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते थे गाइस, वन लिख सकते थे, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, 0.00001, मतलब बहुत जीरो के बाद वन है, मतलब ये वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेट जीरो ही है, क्या है ये वैल्यू, अप्रोक्सीमेट जीरो ही है, मतलब हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं कि जीरो के इतनी नजदीक है। इसीलिए उन्होंने सोचा
कि जो दूसरे वाला पॉइंट है उसको इतना नजदीक लेके आया जाए कि वो पॉइंट है जो उनके बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल क्या हो जाए, निगलिजिबल हो जाए, नाममात्र हो जाए। लेकिन पॉइंट वो क्या करेंगे, दो काउंट करेंगे, उनकी हेल्प से वो क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट क्या कर लिया उन्होंने, बहुत नज़दीक ले आए, इसको मान के चलिए कि उन लोगों ने इस पॉइंट को जहाँ पे ले आए, तो देखिए अब जहाँ से लेके गाइज, जहां तक का जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लीजिए कितना है, x1, कितना है x1, और ये जो क्या है जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस है वो कितना है गाइज, x2। ये कितना है जहां से लेके जहां तक का, x2। और जहां से लेके जहां तक का कितना है गाइज, y2। और जहां से लेके जहां तक का कितना है, y1। देखिए बिल्कुल वैसा ही चल रहा है गाइज जैसे आप लोग सोच रहे हो। तो मतलब ये टेंजेंट ही है, ये क्या है, टेंजेंट है। तो हमको नजदीक लेके आने का फायदा क्या हुआ, हम लोग ये सोच रहे हैं गाइज, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि नजदीक लेके आने का फायदा क्या हुआ। तो गाइज देखिए, अगर अब मैं आपको बोलूं कि x2 - x1, अगर मैं x2 में से गाइज x2 में से x1 माइनस कर दूं, अगर मैं x2 में से x1 माइनस करूंगा, मतलब इतने में से इतना माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा मेरे पास, इट मीन्स मेरे पास क्या बचेगा गाइज, ये वाला डिस्टेंस बचेगा, ये वाला डिस्टेंस बचेगा गाइज, ये ही बचना चाहिए मेरे पास। तो मेरे पास बच गया गाइज ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं x2 में से x1 माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस बचेगा। और गाइज जब मैं y2 माइनस y1 करूंगा गाइज, मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला डिस्टेंस बचेगा। देखिए यही चीज बचेगी ना गाइज, आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाना है। तो गाइज मतलब y2 - y1 क्या बन गया हमारे पास, ये डिस्टेंस, और x2 - x1 ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैंने आपको क्या बोला, जी पॉइंट क्या है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है गाइज, नजदीक हैं, बिल्कुल नजदीक हैं एक दूसरे के, मतलब इनमें जो डिस्टेंस बहुत 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 कम है। जब डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा कम होता है तब हम लोग जो हमारा x2 - x1 है उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स, क्या लिखते हैं गाइज, डेल्टा एक्स, और ऐसे भी लिख सकते हैं dx, और क्या लिख सकते हैं dx। उसी तरह y2 - y1 मतलब ये डिस्टेंस भी क्या है, बहुत बहुत कम है, इसको गाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई, और क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई, और क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई। जो स्लोप होगा गाइज अब हमारा, जो स्लोप है हमारा वो क्या बनेगा, देखिए स्लोप फॉर्मूला था हमारे पास y2 - y1 ओवर x2 - x1, जी फॉर्मूला था, y2 - y1 की जगह गाइस पुट करेंगे हम लोग dy/dx, क्या पुट करेंगे गाइस, dy/dx ऐसा पुट करेंगे। तो ये चीज बन गई हमारे पास, जो हमारे पास स्लोप है गाइस वो क्या बन गया, dy/dx। dy/dx का मतलब क्या है गाइस, dy/dx का मतलब क्या है हमारे पास, ये डेरिवेटिव है, क्या है गाइस, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब नीचे क्या लगा है। तो गाइस क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे क्या हो सकता है हमारे पास, अगर ऐसा हो अगर हमारे पास क्या हो गाइस, dx/dy हो, तो ये क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। अगर हमारे पास क्या हो, dz/dt हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्या बोलेंगे गाइज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हमारे पास ऐसे ही हो dfx, ये f है गाइज, f(dfx/dx), तो इसको बोलेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, मतलब जे जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं गाइज। जो डेरिवेटिव होता है ना हमारे पास उसको हम लोग क्या लिख सकते होते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते होते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते होते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, डेरिवेटिव ऑफ वाई था तो उसको हम लोग वाई डैश भी लिख सकते थे। अगर हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स था उसको हम लोग एक्स डैश, और जेड डैश मतलब डेरिवेटिव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डैश के साथ भी लिख सकते हैं गाइज। तो अब हम लोग करते हैं जो हमारा मेन फंडा है, जो हमारा मेन फंडा है अब हम करेंगे गाइज। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे, आप लोगों ने समझना है गाइज। एमसीक्यूज तो आप लोग जब चाहे दिल करे कर सकते हो, जब आपके ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए तब आप लोग कोई परेशानी भी नहीं आएगी डेरिवेटिव करने में, सम करने में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, क्या होती है ये चीज, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स, लिमिट एच अप्रोच 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो ये क्या होता है गाइस हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। मैं इस फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जब मैं जितने भी सम करूंगा हर सम में इस फॉर्मूले का यूज करूंगा और इस फॉर्मूले को बार बार लिखूंगा ताकि आपके मेरे साथ लिखते लिखते ही याद हो जाए। तो ये है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव गाइज। इसकी जू से हम लोग नंबर ऑफ सम निकालेंगे डेरिवेटिव के, नंबर ऑफ सम निकालेंगे गाइज। ये है हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो गाइज क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो गाइज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपको वन बाय वन हर स्टेप क्लियर करवाता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कैसे। तो देखिए कैसे आया, मैं पेज लेता हूँ। तो गाइज देखिए कैसे आया ये फॉर्मूला। सपोज कर लीजिए वही हमारे पास क्या है, प्लेन है, तो गाइज ये मेरे पास प्लेन है, तो इसमें क्या है, एक कर्व है गाइज, ये कर्व है, और इस पे क्या है, ये सपोज कर लीजिए ये लाइन इसको टच करके जा रही है गाइज, और ये क्या है, इस पे पॉइंट है, मतलब जी पॉइंट क्या है, आप लोगों ने ऐसे मान के चलना है जी पॉइंट क्या है, बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा दूर ले रहा हूँ गाइज ये पॉइंट, लेकिन आप लोगों ने क्या मान के चलना है, जी पॉइंट बिल्कुल नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक। तो देखिए गाइज क्या है, तो जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस कितना है, इसको लेट कर लीजिए आप लोग एक्स वन, इतना है गाइज एक्स वन, और जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस कितना है गाइज हमारे पास, सपोज कर लीजिए जे डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सपोज कर लीजिए जे जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है, जे कितना है, एच है, कितना है एच। अगर जे एच है तो जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ गाइज, एक्स प्लस एच, मतलब जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ गाइज हमारे पास, एक्स प्लस एच। अब जहां से लेके जहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है गाइज हमारे पास, एफ एक्स, कितना है सपोज कर लीजिए, कितना है एफ एक्स, ये डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कितना है हमारे पास एफ एक्स। मैं इसको बड़ा करके लिखता हूँ गाइज, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, मैं बड़ी डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए गाइज ये ही कर्व थी, ये पॉइंट है बिल्कुल नजदीक, ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल नजदीक है। तो गाइज जहां से लेके जहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स वन, कितना है एक्स वन, और जहां से लेके जहां तक का जो डिस्टेंस है
वो कितना है गाइज, सपोज कर लिए जे डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है ये कितना है एच है, कितना है एच। तो फिर जहां से लेके डिस्टेंस कितना हुआ, जहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ गाइज, एक्स वन प्लस एच। और जहां से लेके जहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये कितना है एफ एक्स, कितना है एफ एक्स, कितना है एफ एक्स। और गाइज ये जहां से लेके जो जहां तक का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है, सपोज कर लीजिए ये कितना था हमारे पास गाइज, कितना है ये, कितना था हमारे पास एच। इट मीन्स जहां से लेके जहां तक कितना हो गया एफ एक्स प्लस एच, कितना हो गया गाइज हमारे पास एफ एक्स प्लस एच, जहां से लेके जहां तक का डिस्टेंस एफ एक्स प्लस कितना हो गया एच हो गया। तो गाइज देखिए अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने निकालना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमारा मेन मुद्दा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का। तो क्या आएगा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट गाइज, y2 माइनस y1 जो फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए y2 की जगह अब हम लोगों ने क्या लिया है गाइज, क्या लिया है f x प्लस h, और y1 की जगह, और y1 की जगह गाइज हमारे पास क्या है f x, क्या है f x। और गाइज देखिए x2 की जगह हमारे पास क्या है x प्लस 1 h, और माइनस एक्स वन की जगह क्या है गाइज हमारे पास एक्स वन ही है। तो देखिए गाइज जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा इट मीन्स जे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच क्या जाएगा गाइज, मेरे पास बच जाएगा देखिए गाइज, सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, वैल्यू पुट कर दी y2 की जगह क्या पुट कर दिया एफ एक्स प्लस एच, और y1 की जगह पुट क्या कर दिया गाइज एफ एक्स, और x टू की जगह x1 प्लस h जे डिस्टेंस था, और x1 की जगह x1 पुट किया गाइस, जब ब्रैकेट खोली तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच क्या गया है लिमिट h टेंस टू 0 और f x प्लस h माइनस f x ओवर h ओवर h। तो गाइस जो आपका ऊपर फॉर्मूला दिया था डेरिवेटिव, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसे बना, तो गाइस वो इस तरह से बना है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में मतलब ग्रेजुएशन तक प्लस वन प्लस टू में आप लोगों ने कहाँ भी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो फार्मूला ऐसे ड्राइव होता है। मैंने फार्मूला ड्राइव किया है गाइज, मैंने क्या करके दिखाया आप लोगों को, फार्मूला ड्राइव करके दिखाया। अब कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन है कि सर ये एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो कैसे आई, तो बिल्कुल आप लोग राइट हो, तो आपका जो क्वेश्चन होना भी चाहिए था। मैंने क्या बोला आपको, जे डिस्टेंस क्या है, जे पॉइंट क्या है, बिल्कुल नज़दीक हैं। क्या बोला मैंने आपको कि जे जो पॉइंट हैं बिल्कुल नज़दीक हैं गाइज, इट मीन्स इनके बीच जे जो डिस्टेंस है एच, जे जो डिस्टेंस है एच, तो जे भी क्या है बहुत 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 कम है, जे डिस्टेंस क्या है बहुत बहुत कम है। अगर डिस्टेंस बहुत बहुत कम है इट मीन्स जब क्या है बहुत बहुत कम है इट मीन्स डिस्टेंस क्या हो गया जीरो हो गया, कितना हो गया गाइज डिस्टेंस जीरो हो गया। जब डिस्टेंस जीरो होता है, जब क्या हो गया डिस्टेंस जीरो होता है, तब हम लोग क्या लेते हैं, जब कोई चीज़ जीरो हो जाती है तब हम लोग क्या करते हैं, जो लिमिट होती है उसको क्या करते हैं टेंस टू जीरो पुट करते हैं। इट मीन्स एच टेंस टू जीरो मतलब डिस्टेंस क्या है, ये जो एच डिस्टेंस है बिल्कुल क्या है जीरो है, बहुत कम है, इसलिए हम लोगों ने जहाँ पे लिमिट एच टेंस टू क्या लिया है गाइज जीरो लिया है। ऐसे करके जो हमारा फॉर्मूला है जी, हमारा फॉर्मूला बना है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोल रहे थे, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। तो गाइज आगे करते हैं, आगे क्या है देखते हैं, थोड़ा बहुत पेज लेता हूँ मैं। तो देखिए गाइज आगे क्या है, जो हमारा मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था गाइज हमारे पास डी ओवर डी एक्स मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते थे वाई डैश भी लिखते थे गाइज, क्या लिखते थे वाई डैश लिखते थे। अब हम लोगों ने किसका स्लोप निकाला है एफ एक्स का,
किसका निकाला है, एफ एक्स का, मतलब अब हम लोगों ने किसका निकाला था, एफ एक्स का गाइज। तो हम लोग एफ एक्स को क्या लिख सकते थे, एफ डैश एक्स लिख सकते थे गाइज, क्या लिख सकते थे, एफ डैश एक्स लिख सकते थे। तो ये जो आपका एफ डैश एक्स था, ये क्या था गाइज, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये क्या था आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब ये डेरिवेटिव था। तो अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे करना है, जो डेरिवेटिव है गाइज, मतलब जो डेरिवेटिव हमने देखा स्लोप ऑफ टेंजेंट की, जो डेफिनेशन देखी, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट पीछे मैंने फॉर्मूला लिखा था, तो इसका हमने यूज कैसे करना है गाइज। ये फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, क्या था ये फॉर्मूला हमारे पास, लिमिट टेंस टू एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो गाइज अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, तो हम लोग इस फॉर्मूले के साथ नंबर ऑफ सम निकालेंगे गाइज। तो आप लोगों को अच्छी तरह, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ साथ काम करोगे। तो देखिए गाइज हम लोग फर्स्ट सम लेते हैं, इजी सम लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, क्या है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो गाइज देखिए जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया जो एफ एक्स है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। जैसे वाई था हमारे पास, तो वाई को क्या लिख सकते थे, वाई डैश एक्स लिख सकते थे, एक्स को क्या लिख सकते थे, एक्स डैश एक्स लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव करना उसको ऐसे लिख सकते हैं गाइज। तब अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको बोला कि मैं वो फॉर्मूला बार बार लिखूंगा ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। तो देखिए गाइज फॉर्मूला क्या था, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो ये फॉर्मूला था गाइज, मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू दी है कितनी, एफ एक्स की वैल्यू दी है गाइज 10x, कितनी दी है 10x, मतलब हम लोग जहां तो 10x पुट कर सकते हैं, लेकिन जो एफ एक्स प्लस एच है वहां क्या पुट करेंगे, वहां भी हमको कुछ पुट करने के लिए चाहिए। तो गाइज देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप लोग जहां क्या पुट करोगे। तो गाइज अगर मैं आपको बोलूं कि एफ एक्स 10x है, एफ एक्स 10x है, मैं अगर आपको बोलूं कि एफ वन की वैल्यू निकालो, तब आप लोग क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे, तो इधर भी क्या करोगे, x की जगह 1 पुट करोगे। अगर मैं बोलूं f2 की वैल्यू निकालो, तब आप लोगों ने क्या किया, x की जगह 2 पुट कर दिया, इधर भी आप लोगों ने क्या किया, x की जगह 2 पुट कर दिया, वैल्यू निकल गई, f3 की भी ऐसे निकल जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालो, तब आप लोग क्या करोगे, x की जगह एक्स प्लस एच पुट करोगे, तो इधर भी आप लोग क्या करोगे, एक्स प्लस एच पुट करोगे, मतलब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी आपके पास आ गई कितनी, 10x प्लस एच। तो गाइज देखिए बहुत इजी है, इसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए जो हमारे पास एफ एक्स प्लस एच है, हम लोगों ने एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है, मतलब जहां पे मैंने एक्स की जगह क्या डाल दिया, एक्स प्लस एच डाल दिया, तब हम लोगों को इधर भी क्या करना पड़ेगा, 10x की जगह x प्लस एच डालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। हमारे पास एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई और हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू गाइस जीरो एफ एक्स प्लस एच की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 10x प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, 10x। और गाइज नीचे हमारे पास क्या है, एच है, हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 10x 10h माइनस 10x ओवर एच, क्या हो गया गाइज हमारे पास, एच के साथ एच कैंसिल, मतलब क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ गया गाइज, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर क्या आ गया, 10 बचा ओनली। तो गाइज देखिए हमारे पास कुछ पुट करने के लिए है ही नहीं जहाँ पे, जैसे हमारे पास एच टेंस टू जीरो है, मतलब हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है, लिमिट कहाँ पुट करेंगे, एच की जगह ही पुट करेंगे, हमारे पास एच तो जहाँ पे नहीं है तो लिमिट कहाँ पुट करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा गाइज, हमारा जो आंसर है वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा गाइज, हमारे पास जो आंसर है
लिमिट h टेंस टू 0 कितना आ गया 10, मतलब अब हमारे पास जो f डैश x था जिसकी हमने वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई गाइज हमारे पास 10। तो देखिए गाइज कितना इजी है, मतलब कितने शॉर्ट वे से आप लोग क्या कर सकते हो, सम को कर सकते हो। तो गाइज प्रॉब्लम यही है कि आप लोग वीडियो पूरी तरह नहीं देखते। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी तरह देख ली तो मैं आपको बताता हूँ कि 1/1 आपके जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने वाला है, बिल्कुल क्लियर होने वाला है गाइज। नेक्स्ट सम देखते हैं गाइज, कोई इजी सम और लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो गाइज लेते हैं सम, मेरे पास है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वेयर। तो गाइज मैंने बोला बार बार कि मैं वो फॉर्मूला बार बार लिखने वाला हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह याद हो जाए। देखिए गाइज क्या है, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच ओवर एच, यही फॉर्मूला था गाइज। हम लोगों ने वैल्यू किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वेयर की। किसकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे गाइज, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू तो हमको दी है एक्स स्क्वेयर, जहाँ पर पुट कर देंगे फंडा रहता है इसका। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पीछे वाले सम में बताया क्या कि एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच क्या पुट करेंगे गाइज, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह हमने पुट कर दिया एक्स प्लस एच, मतलब फिर इधर भी क्या करेंगे एक्स प्लस एच पुट करेंगे, स्क्वेयर आ जाएगा गाइज। तो करो पुट वैल्यू, इसमें क्या आएगा हमारे पास एक्स प्लस एच का स्क्वेयर माइनस एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर गाइज, लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो नीचे क्या था हमारे पास एच, अब हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, नीचे क्या आ जाएगा गाइज हमारे पास एच है। तो अब देखिए ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया गाइज, ये तो हमारे पास बच के आ गया टू एक्स एच प्लस एच स्क्वेयर, नीचे क्या है एच। तो गाइज देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो गाइज आप लोगों ने लिमिट ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं करनी, पहले आप लोगों ने इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे गाइज, इसमें से एच माइनस कर लेंगे। आप लोगों को क्या होना चाहिए, मेरी टेंडेंसी रहती है कि जो नीचे एच है ना, नीचे एच है उसको मैं ख़त्म करूं, उसको मैं किसी भी तरह से ख़त्म करूं ताकि मेरा जो आंसर है 0/0 ना बने, मतलब इनवैलिड आंसर ना बने, 0/0 ना बने। अगर जहां से एच ही ख़त्म हो जाता है तो पूरा फंड ही खत्म हो गया, मतलब 0/0 बनने का तो कोई चांस ही नहीं रहता। तो जहां से एच रिमूव करने की आप लोगों ने टेंडेंसी रखनी है। तो देखिए एच ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2h प्लस h, h h के साथ h कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0। अब पुट करोगे क्या रह जाएगा गाइज आपके पास 2x प्लस 0, मतलब आपका जो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आंसर आ गया गाइज 2x, कितना आ गया 2x, मतलब आपका जो f डैश x था हम लोगों ने निकालना था कितना आ गया 2x आंसर लगा। तो गाइज देखिए बिल्कुल इजी सम है और मैं आपको करवा भी बहुत फास्ट रहा हूँ और आप लोगों के समझ में भी आ रहे होंगे होप। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ चलते चलते करने हैं गाइज, तो मैं श्योरिटी लेता हूँ कि आप लोग इसका सम बिल्कुल इजीली क्रैक कर लोगे। जितना जल्दी आप लोग लिमिट सीख चुके हो उतनी जल्दी इसको भी सीख चुके होगे, इसमें भी कुछ नहीं है गाइज। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। आप लोगों ने जब मैं स्टेटमेंट देता हूं तो आप लोगों ने मेरे से पहले करने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं गाइज एक और, एफ एक्स इस बार हम लोग लेते हैं एफ एक्स एक्स क्यूब, एफ एक्स एक्स क्यूब। तो गाइज ये मेरे पास स्टेटमेंट है, क्या है एफ एक्स एक्स क्यूब। तो गाइज करते हैं स्टार्ट, इसमें भी कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं फार्मूला बार बार लिखने वाला हूं, तो पहले आप लोगों ने फार्मूला लिखना है। क्या था हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, उसके बाद f x प्लस h माइनस एफ एक्स ओवर h। तो गाइज कुछ भी नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू हमको दी है कितनी, x क्यूब हमने निकाली है एफ एक्स प्लस h, मतलब जहां पे x की जगह
क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच पुट कर देंगे गाइज। अगर इधर एक्स प्लस एच पुट किया है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस एच पुट करना पड़ेगा, मतलब इधर क्यूब हो जाएगी। तो इस वैल्यू को जहां पुट करेंगे और इस वैल्यू को जहां पुट करेंगे गाइज, तो देखिए क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे गाइज, क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस एक्स क्यूब नीचे एच, नीचे एच। तो गाइज क्या कीजिए, ऊपर ए प्लस बी की क्यूब बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब एच क्यूब थ्री एक्स स्क्वेयर एच प्लस थ्री एच स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स क्यूब जो पड़ा है पीछे नीचे एच। तो गाइज देखिए ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रही है, उसमें से कॉमन क्या आ रहा है। हम लोगों ने, मैंने क्या बोला कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप लोगों ने कॉमन निकालने की कोशिश करनी है, कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, एच तीनों में कॉमन आ रही है, एच कॉमन ले ली, जहाँ एच स्क्वेयर आ गया, जहाँ थ्री एक्स, जहाँ पे क्या आ गया थ्री एच एक्स, और नीचे जो एच था उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारा मेन फंडा क्या होता है, इस एच को रिमूव करवाना, खत्म करना कैसे करवा सकते हैं, एच नीचे खत्म हो गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो लिमिट है एच टेंस टू जीरो पुट कर सकते हो। जब आप लोग एच टेंस टू जीरो पुट करोगे, देखिए एच की जगह जीरो थ्री एक्स थ्री जीरो एक्स। तो गाइज लिमिट एच टेंस टू जीरो जब हम लोगों ने पुट की तो क्या बच गया, जे जीरो हो गया, जे जीरो हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री एक्स, मतलब जो एफ डैश डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स हम लोगों ने क्या किया गाइज, थोड़ा नीचे चला जाता है, कई बार दिखता नहीं, वैल्यू पुट कर दी लिमिट की, एच टेंस टू जीरो जीरो पुट कर दिया, जे जीरो हो गया, जे जीरो हो गया, क्या बचा थ्री एक्स, मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बच गया हमारे पास 3x, जो एफ डैश एक्स हम लोग निकालना चाहते थे वो हमारे पास क्या गया गाइज 3x। तो देखिए गाइज, मतलब मैं इतनी जल्दी, मतलब पूरे सम को अगर आप लोग सोचो ना, मैं एक मिनट में कर रहा हूँ, अगर मैं जल्दी करना चाहूँ तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ 15-20 सेकंड में कर सकता हूँ गाइज। अगर आप लोगों के समझ में आता है तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, उतनी ही जल्दी कर सकते हो, 15-20 सेकंड में कर सकते हो इसको। तो गाइज नेक्स्ट सम करते हैं, अब आपको इजी एक्सप्रेशन देता हूं एक, एफ एक्स जहां पे हम लोग जस्ट ए लेते हैं गाइज, क्या लेते हैं ए। तो गाइज देखिए, पहले तो फॉर्मूला लिखिए उसके बाद बताता हूं क्या था, एफ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस माइनस क्या था हमारे पास एफ एक्स, यही होता है नीचे एच। तो गाइज देखिए, जहां हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू तो है ए, लेकिन हमारे पास एक्स, जहां पे जो एक्स था उसकी जगह हम लोग पुट कर देते थे, मतलब एक्स की जगह हम लोग क्या कर देते थे, पुट कर देते थे, इधर तो हम लोग पुट कर देंगे एक्स प्लस एच, लेकिन इधर ए की जगह क्या पुट करेंगे गाइज, इधर तो कुछ भी पुट नहीं कर सकते, इधर तो हमारे पास एक्स नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे गाइज, जब हमारे पास एक्स नहीं है, तब हमारे पास जो एफ एक्स प्लस एच है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू भी गाइज हमारे पास क्या रह जाएगी, ए रह जाएगी गाइज। जब हमारे पास पुट करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब इधर एक्स नहीं है, तब हमारे पास जो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है वो भी डायरेक्ट क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका गाइज। अब देखिए फिर, तो गाइज देखिए एफ इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ए एफ एक्स की जगह ए इसकी जगह एच। तो गाइज देखिए, जहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पे लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट जीरो पुट कर देते हैं। तो गाइज आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग बिल्कुल गलत करोगे। और क्यों, क्योंकि देखिए गाइज, मतलब ए माइनस ए जीरो, जीरो बाय एच क्या होता है, जीरो होता है। जब गाइज हमारा जीरो आंसर बन ही रहा है, जब हमारा जीरो बन रहा है, डायरेक्ट जीरो बन रहा है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू कितना आ गया, जीरो आ गया, एफ डैश एक्स हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। जब हमारा आंसर ही आ गया गाइस जीरो,
अगर हम लोगों को, तब हम लोगों को एच जीरो पुट करने की क्या जरूरत है? अगर आप लोग एच जीरो पुट करोगे तो आपका क्या बनेगा, जीरो बाई जीरो बनेगा, इनवैलिड वैल्यू बनेगा। तो आप लोग इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल भी आगे सॉल्व करने वाला नहीं है, सॉल्व हो भी नहीं सकता। तब आप लोगों ने क्या करना है गाइस, जब आपका डायरेक्ट जीरो बाई मतलब जीरो बन रहा है, ऊपर जीरो है, इट मीन्स ये क्या बन गया, जीरो बन गया, जीरो बाई जीरो तो नहीं बना, इट मीन्स ये ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करनी है, आप लोगों ने एच की वैल्यू जहां जीरो पुट नहीं करनी गाइज, आप लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना ऐसे। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। तो इस सम से हमको क्या पता चलता है गाइज, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहा है कि इस सम से हमको क्या पता चलता है, इस सम से हमको पता चलता है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो आता है। जैसे 5, 7, 9, 100 कुछ भी जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। तो इस सम से हमको पता चलता है कि कांस्टेंट वैल्यू की डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा गाइज, जीरो आएगा। तो गाइज और सम करते हैं, एक सम और लेते हैं, मैं पेज और ले लेता हूँ गाइज, क्योंकि जहां पे मेरा ख्याल है कंप्लीट नहीं होने वाला जे सम, तो मैं पेज और लेता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट सम लेते हैं हम लोग, हमारे पास जो नेक्स्ट सम है गाइज, फिफ्थ सम है ये, एफ एक्स 1/x। तो देखिए गाइज बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए। जब तक आपके फॉर्मूला याद नहीं होता, आप लोगों ने फॉर्मूला लिखना बंद नहीं करना। अगर आप लोगों के फॉर्मूला याद हो गया तो आप लोग क्या करोगे, इसको दिमाग में ही कर लोगे। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। तो गाइज देखिए एफ एक्स की वैल्यू दी है 1/x, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकालेंगे, मतलब इधर भी पुट कर देंगे क्या, एक्स प्लस एच, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया गाइज, हमने एक्स प्लस एच पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, एक्स की जगह एक्स प्लस एच। अब हम लोग क्या करेंगे, जहां पे 1/x प्लस एच और जहां पे 1/x, लिमिट एच टेंस टू जीरो, गाइज बिल्कुल ध्यान रखना है क्या आ गया जहां पे। तो गाइज एलसीएम, एलसीएम करके क्या आ गया एक्स, इधर क्या आ जाएगा गाइज माइनस है, एक्स प्लस एच आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा गाइज आपका एक्स इंटू एक्स प्लस एच ओवर एच। जब गाइज ऐसे होता है, हम लोग इसके नीचे वन लगाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। मतलब मैं आपको खोल के ही करके दिखा देता हूँ, जब ऐसी सिचुएशन बनती है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, इसके नीचे वन लगा लेते हैं, वो वन ऊपर चला जाता है और एच क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो गाइज देखिए बिल्कुल वैसे ही बन गया, देखिए बिल्कुल ऐसे ही बन गया ना। अब हम लोगों ने क्या करना है गाइज, ये जो जहाँ पे लिमिट लगा लीजिए आप लोग, लिमिट साथ में चल रही है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे गाइज, क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या बनेगा, नीचे क्या है गाइज हमारे पास, क्या बन गया, ऊपर क्या रहेगा एच, नीचे क्या रहेगा गाइज एच। तो देखिए गाइज मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स को एक्स के एक्स स्क्वेयर, और एक्स को क्या किया गाइज, एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्वेयर, एक्स को एच के साथ किया एक्स एच, क्या बन गया गाइज एक्स एच। तो ये चीज बन गई गाइज हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या है, एच की जगह जीरो और एक्स, ये वैसे ही रह जाएगा गाइज। जब हम लोगों ने जहाँ पे ब्रैकेट ओपन की तो जहाँ पे क्या आएगा गाइज, माइनस आएगा, तो जहाँ माइनस आएगा, जहाँ पे माइनस एच की जगह हमने जीरो पुट कर दी गाइज, क्या कर दिया हमने एच की जगह जीरो पुट कर दी। तो एक मिनट गाइज, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया जहाँ पे मामला, इसको एक बार चेक करते हैं। तो देखिए ये चीज़ बन गई थी गाइज हमारे पास, तो नीचे क्या बन गया था गाइज, तो गाइज देखिए ये ऊपर चला गया, तो जहाँ पे हमारे पास एक्स एच आएगा गाइज, क्या आएगा एक्स एच, क्या आएगा गाइज
एक्स एच, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो जहाँ क्या आएगा एक्स एच आएगा। तो गाइज हमारे पास ऊपर जे बच गया और इस एच को हम लोग क्या कर देंगे गाइज इसके साथ कैंसिल कर देंगे, मतलब ऊपर क्या बच गया हमारे पास माइनस वन बच गया गाइज, क्या बच गया माइनस वन, और जो एक्स बचा है उसको क्या कर दिया मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गाइज, तो जे चीज़ बन गई। तो ऊपर क्या है हमारे पास माइनस वन है, क्या है गाइज माइनस वन, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, लिमिट माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर और जे चीज़ क्या हो जाएगी एक्स इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, हमारे पास क्या बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो गाइज, क्या बन गया एक वन बाई, तो एफ डैश एक्स जो आप निकालना चाहते थे वो कितना आ गया माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर। तो गाइज अगर आपको पूछा जाए डेरिवेटिव ऑफ वन बाई एक्स, अगर आपको डायरेक्ट जब हम लोग डेरिवेटिव के सम करेंगे ना तो वहाँ आप लोग डायरेक्ट वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या लगाओगे वन ओवर माइनस एक्स स्क्वेयर लगाओगे, वन ओवर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो हमने प्रूव किया कैसे आता है। तो ये हो गया, तो गाइज मेरा ख्याल है सम बहुत हो चुके हैं, तो एक लास्ट सम ट्राई करते हैं, लास्ट सम ट्राई करते हैं गाइज, कोई बात नहीं थोड़ा लंबा चला जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, आप इसको स्किप नहीं करोगे। तो देखते हैं गाइज एफ एक्स रूट एक्स, तो जे स्टेटमेंट है वही पहले फॉर्मूला हमारा गाइज, ओवर एच, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालते हैं, पुट कर दिया तो क्या आएगा इधर भी एक्स प्लस एच का रूट आएगा गाइज, तो वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह रूट एक्स और इसकी जगह जे वाला, इसकी जगह जे वाला, माइनस एक्स नीचे एक्स। तो गाइज जब ऐसी सिचुएशन बनती है, आप लोगों के पास बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनी होगी, तब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो गाइज, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप लोगों ने गाइज मतलब ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी क्या नहीं होना। अगर आप लोग सपोज कर लीजिए ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट करते हो, अगर एच की वैल्यू जीरो पुट करते हो मतलब नीचे जीरो आ गया, तो आपकी जीरो बाई जीरो मतलब इनवैलिड बन जाएगी, इनवैलिड वैल्यू बन जाएगी, मतलब आगे भी ये सॉल्व होने वाला नहीं है। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना, इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो ना, मतलब ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा, तो आप लोग क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, आप लोग करते थे प्लस वन प्लस टू में करते थे और ग्रेजुएशन में भी करते होंगे ना, हम लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते थे रैशनलाइजिंग करते थे। वो क्या होता था रैशनलाइजिंग, हम लोग करेंगे टेकिंग रैशली, आप लोग रैशनलाइजिंग स्पेलिंग देख लेना, रैशनलाइजिंग बोल रहा हूँ। तो वो क्या कैसे करते थे गाइज, एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, जो जो ऊपर वाला है उसका क्या करते थे हम लोग साइन चेंज कर देते थे, बीच का साइन चेंज करके उसको इधर ऊपर नीचे डिवाइड कर देते थे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे, ऐसा करते थे ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस वन प्लस टू में ग्रेजुएशन में, मतलब देखिए जहाँ माइनस था जहाँ प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ क्या कर दिया गाइज आप लोगों ने डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड कर दिया उसी के साथ उसके ऑपोजिट साइन के साथ। तो मतलब जब ऐसा करते थे तो कुछ ना कुछ बनता था गाइज, कुछ ना कुछ बनता था। तो देखिए सपोज कर लीजिए जे क्या है मेरे पास, रुकिए एक मिनट मैं रेड पेन लेता हूँ। तो गाइज देखिए मेरे पास ऐसे ही बता देता हूँ, चलो जे क्या है इसको लेट कर लीजिए ए, जे क्या है आपके पास बी, मतलब ए माइनस जे क्या है ए, जे क्या है आपके पास बी, जे क्या है आपके पास ए और जे क्या है बी। तो ए गाइज देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गाइज। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं गाइज, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से जरा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस
एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, जो फॉर्मूला बन गया। तो लिमिट आगे चल रही है उसको वैसे ही लिखना। तो गाइज नीचे नीचे आप लोग क्या करोगे, नीचे मल्टीप्लाई जैसे चल रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, एच को इसके साथ मल्टीप्लाई। तो गाइज बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अब स्केयर के साथ स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर क्या बच गया गाइज हमारे पास, एक्स प्लस एच माइनस एक्स। नीचे गाइज नीचे क्या बचेगा हमारे पास, नीचे एक बार आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, तो एक्स के साथ एक्स कैंसिल गाइज, एक्स के साथ क्या हो गया आपका, एक्स कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बच गया, एच ओवर एच एक्स, एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये चीज बच गई। एच के साथ क्या हो गया गाइज आपका, एच कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जब जीरो पुट करेंगे तो गाइज क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस जीरो माइनस रूट एक्स, क्या बन गया गाइज हमारे पास, जहां पे प्लस था सॉरी, तो प्लस क्या बन गया गाइज, प्लस रूट एक्स, मतलब क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या बन गया गाइज, वन रूट एक्स, वन रूट एक्स क्या बन गया, रूट टू एक्स। तो गाइज जो हमारा एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव आया है किसका, इसका रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना आया गाइज हमारे पास, वन बाय टू रूट एक्स। तो ये हमने क्या कर दिया गाइज, प्रूव कर दिया। तो गाइज होप आपको जो डेरिवेटिव के आज सम किए हैं हमने, प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव किया है, उसकी जो बेसिक था, बेसिक जो स्टार्टिंग से हमने किया है वो ग्राफ बना के, कि हम लोग दो पॉइंट से एक पॉइंट से कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब आप लोगों को जितना हम लोगों ने आज किया बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा गाइज। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से कंसेप्ट क्लियर कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो गाइज मैं आप लोगों की गारंटी लेता हूँ कि जब आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो गया, पूरा अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर हो गया, तब आप लोग एग्जाम में, देखिए मैंने कुछ सम बहुत फास्ट किए, मतलब आप लोगों ने देखा होगा मैंने 20 से 30 सेकंड में मैंने सम कर दिया था। तो गाइज जहां पे टाइम लगता है आपके लिए टाइम लगता है, अगर आप लोगों ने सम अच्छी तरह सीख लिए, तब मैं आपको बता रहा हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग एग्जाम में जाके उसी सम को 10-20 सेकंड में करने वाले हो, मतलब 20 से 30 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में आप लोग क्या कर दोगे, इसको कवर कर दोगे, और आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपको बहुत खुशी होगी और मेरे को भी बहुत खुशी होगी गाइज अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी कमेंट करके मेरे को बताइए। तो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सम।